Redmi Note 5 Pro के लिए फाइनली पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन का एंड्रॉयड 13 बिल्ड आ गया है साकिल भाई की तरफ से, और ये भी जो है आपका इनक्रिप्टेड ही रहेगा। तो अगर आपको इनक्रिप्टेड इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एसपी रिकवरी यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है इनक्रिप्टेड वाली भी, और उसमें एसपी रिकवरी भी दे दूंगा। और जो डिक्रिप्टेड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डिक्रिप्टेड वाली जो फाइल रिकमेंडेड है, यानी कि रिकमेंडेड जो रिकवरी है और डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन, वो आपको उसी डिक्रिप्टेड वाले इंस्टॉलेशन के नीचे मिल जाएगा। तो कम्प्लीट पहले इंस्टॉलेशन वीडियो वॉच कर लेना, उसके बाद ही इंस्टॉल करना, क्योंकि काफ़ी लोग जो है बूट लूप पे बूट लोगों पे जा रहे हैं, रिकवरी के ये सब प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इंस्टॉलेशन आप कंप्लीट पहले देख लेना, उसके बाद ही इंस्टॉल करना बाय डिफॉल्ट ये इनक्रिप्टेड रोम है। फिलहाल इसमें मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये प्लस एडिशन का फर्स्ट बिल्ड है एंड्रॉयड 13 का। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हमें मिलता है इसके अंदर। जैसा कि पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन का ये एंड्रॉयड 13 बिल्ड है, सिक्योरिटी पैच नवंबर 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट मिल जाता है, और कर्नल इसके अंदर में मिनिमल का ESQTi हैप्टिक वाला R26 वर्जन जो है कर्नल इसके अंदर मिल जाता है। QTi हैप्टिक है, वैसे ये बिल्ड जो है 11 नवंबर का है 2022 का, और इसके अंदर नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर चलते हैं हॉटस्पॉट में, तो यहाँ पे अलाउ क्लाइंट टू यूज़ VPN है, और जो टर्न ऑन जो इसके अंदर मिल जाता है हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक का, उसमें टाइम दिया गया है, हिडन नेटवर्क है, कनेक्टेड डिवाइसेस मिल जाता है, और ये हॉटस्पॉट आपका काम करता है। तो हॉटस्पॉट का यूज़ आप कर पाओगे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट का। कनेक्टेड डिवाइस के अंदर कनेक्शन प्रेफरेंसेस में हमारा कास्ट है, जो कि काम कर, हालांकि काफ़ी ट्राई किया तब जाके कनेक्ट हुआ, लेकिन वर्किंग है, काम कर रहा है। ऐप्स के अंदर मैं भी यहाँ पे डिफॉल्ट ऐप यानी कि लॉन्चर दिखा दूँ, तो इसके अंदर पिक्सल लॉन्चर ही रहने वाला है, जिसमें नॉर्मल सी सेटिंग्स हमें मिलती फिलहाल, बाकी की तरह असिस्टेंट उससे काम करेगा। ओके गूगल यूज़ आप कर पाओगे यहाँ पे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड नोटिफिकेशन की सेटिंग्स भी नॉर्मल ही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा फिलहाल आपका, जैसे बाकी मिलता है उसी तरीके से रहेगा। बट अगर हम बैटरी में चलते हैं तो यहाँ पे बैटरी यूजेस मिल जाएगा, 24 आवर तक का बैटरी यूजेस आप इनेबल कर सकते हो इसके अंदर। बैटरी सेवर, एक्सट्रीम बैटरी सेवर इसी के अंदर है, एडिप्टिव प्रेफरेंसेस भी है, और टर्न ऑन द लाइट वैन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं बैटरी की बात करें, 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 81% तक जो है बैटरी हमें इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिल जा रही है। वहीं हम साउंड एंड वाइब्रेशन में चलते हैं, तो यहाँ पर फिर आपको जो है इंक्रीज रिंग वॉल्यूम मिल जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब है, मल्टीपल सिम पे आप रिंगटोन लगा सकते हो इसके अंदर में, एंड अडेप्टिव साउंड भी दिया गया, जिससे हमारे फ़ोन के जो स्पीकर है उसकी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होती है इसको इनेबल करने के बाद। स्मार्ट पाउज भी है, मीडिया भी मिल जाता है, मीडिया लेआउट भी एक बार आपको दिखा दूँ, हालांकि मीडिया लेआउट से आपको इसके अंदर काफ़ी लाइट लैग जो है देखने को मिलता है इनेबल करने के बाद, बट ज़्यादा हैवी देखने को नहीं मिलता, काफ़ी लाइट है, जिससे आपको कुछ खास वैसे मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एनिमेशन वैसे अच्छा ही आपको यहाँ पे फिलहाल इसके अंदर मिल जाता है, मीडिया जब आपका ऑन रहता है उस पर काफ़ी लाइट सा लैग देखने को मिलता है, जो कि उतना कुछ खास नहीं है जैसे कि आपको बताया। एंड वाइब्रेशन एंड हैप्टिक है, जो कि बिल्कुल अच्छे से काम करो, सभी जगह काम करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे फिर आपको यहाँ पे साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स मिलेंगे, और पर वॉल्यूम कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए, हालांकि यहाँ पे आपको कोई भी साउंड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और अब चलते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो एडिप्टिव ब्राइटनेस पे उसे आपको यहाँ पे 1 शॉट ऑटो ब्राइटनेस मिल जाएगा। लॉक्सिंग के अंदर में मीडिया कवर आर्ट मिल जाएगा, डबल लाइन क्लॉक है, जो कि लॉक्सिंग क्लॉक को हम छोटी या बड़ी कर सकते हैं इससे। अब मेन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, ऑलवेज ऑन नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑलवेज ऑन नहीं है, और फिर यहाँ पे जो स्क्रीन टाइम आउट है 30 मिनट तक का मिल जाता है, स्क्रीन अटेंशन नहीं है, यहाँ पे डार्क थीम है मिल जाएगा, एंड यहीं पे नाइट लाइट मिल जाता है, काम कर रहा है, लाइव डिस्प्ले भी वर्किंग है, कलर प्रोफाइल मिल जाएगा, कलर कैलिब्रेशन है, पिक्चर एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऑटो रोटेशन काम करता है, अलग अलग डिग्रीज पे आप जो है सभी डिग्रीज जो है मिल जाते हैं ऑप्शन, रोटेट आप कर पाओगे इनेबल करके, और ये सारे ऑप्शंस भी आपके काम कर रहे हैं। वॉलपेपर इन स्टाइल में चलते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल आपको जो वॉलपेपर ये मिल रहा है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि इसके अंदर आपको इनमें से ब्लैक वाला वॉलपेपर इनमें से जो है मिलता है, बाकी यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा जैसे बताया डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। बेसिक एंड वॉलपेपर कलर मिलेगा, थीम आइकन काम कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो ग्रिड है वो भी मिल जाता है, और यहाँ पे एसेबिलिटी के अंदर आपको एक्स्ट्रा डिम मेन जैसे कि मिल जाता है, बाकी तो पूरा आपका सेम ही, बाकी रोम्स की तरह एसेबिलिटी रहने वाला है, सभी में सेम ही रहता है ये चीज़ आपका। एंड सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा दूँ, जैसे कि मैं बताया डिक्रिप्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, मैं डिक्रिप्ट करके ही ज़्यादातर रोम यूज़ करता हूँ, तो डिक्रिप्ट करके यूज़ किया, बट अगर आप इंक्रिप्टेड यूज़ करना चाहते हो तो पहले इंस्टॉलेशन वीडियो देख लेना, और इंस्टॉलेशन में ही वहीं पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है इंक्रिप्टेड के लिए एसपी रिकवरी, डिक्रिप्टेड के लिए डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन, और रिकमेंडेड जो रिकवरी है वो आप पहले यूज़ करना, उसके बाद ही डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल करना, और इंक्रिप्टेड के लिए तो इंक्रिप्टेड, और दोनों का वीडियो जो है कंप्लीट वॉच करना, जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो उसका वीडियो जो है कंप्लीट बिना स्किप के वॉच कर लेना, नहीं तो फिर बाद में कमेंट फिर करोगे, फिर बताना पड़ेगा कमेंट में। बाकी यहाँ पे आपका जो पैटर्न साइज है वो आपको मिल जाएगा,
एंड पैटर्न मैं यहाँ पे पैटर्न साइज मिल जाता है, बट यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट फेसन लुक दोनों ऐड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। फिंगरप्रिंट कुछ इस तरीके से, हालांकि एनिमेशन लैग है थोड़े से यहाँ पे अनलॉकिंग के टाइम पे, बाकी यहाँ पे आपका जो फेस अनलॉक है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। फेस अनलॉक इसके अंदर जैसे कि इसमें ऐड किया गया और पिन, जैसे कि मैं यहाँ पे पिन यूज़ किया था तो स्क्रैम्बल लेआउट भी मिलता है, तो पैटर्न साइज तो मिलता है बट अगर आप पिन यूज़ करोगे तो स्क्रैम्बल लेआउट भी है, जिससे हमारे नंबर पोजीशन लॉक स्क्रीन पे चेंज देखने को मिलेंगे हर बार जितनी बार हम अनलॉक करेंगे जब तक ये इनेबल रहता है। तो इस तरीके से कुछ आप सिक्योरिटी का यूज़ कर पाओगे यहाँ पे, और फिर बाहर में सेफ्टी इमरजेंसी या फिर डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट है सब तो आपको मिलेगा ही। सिस्टम के अंदर चल के ऐप लैंग्वेज भी एक बार दिखा देता हूँ लैंग्वेज के अंदर में, तो यहाँ पर ये चार एप्लीकेशन के अंदर फिलहाल अभी सपोर्टेड मिल जाता है, और यहाँ पर जो है लाइव ट्रांसलेट भी है, जेस्चर का मिल जाता है, क्विक टैप यानी कि आपका जो बैक टैप वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और अच्छी तरीके से काम करा। फर्स्ट टाइम पे बिल्कुल आराम से हल्का ही एकदम टैप किया था, काम कर रहा था, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है यहाँ पे इसका। और फिर क्विकली ओपन कैमरा है, सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, और यहीं पे जो है ये सारी सेंसिटिविटी की सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको यहाँ पे। जेस्चर इंडिकेटर को ऑन ऑफ कर पाओगे, और बटन के लिए भी आपको यहाँ पे होल्ड होम, जो कि होम बटन को होल्ड करोगे तो असिस्टेंट इनेबल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। हालांकि होम बटन पे आपको पिक्सल एनिमेशन भी मिल जाता है, तो काम तो दोनों अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 100 मोड भी है, प्रेस एंड होल्ड पावर एंड असिस्टेंट के अंदर से यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट को इनेबल कर पाओगे, और मेन्यू के जो शॉर्टकट्स हैं वो भी आप यहीं से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। स्वाइप स्क्रीनशॉट भी इसके अंदर मिलता है, जैसा कि ये प्लस वाला है तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं नॉर्मल के मुकाबले, क्विक टॉर्च ये सब भी है। और बटन के अंदर आपको सिस्टम नेविगेशन यहाँ पे भी है, और नीचे फिर पावर बटन से रिलेटेड ऑप्शन है, और वॉल्यूम बटन के लिए मिल जाते हैं, बैक डिवाइस सेंसर कॉल कंट्रोल प्लेबैक ये सब मिल जाएगा। स्टेटस बार के अंदर नेटवर्क ट्रैफिक है और ये काम कर अच्छे तरीके से। हालांकि सिस्टम के अंदर आपको काफ़ी सारे आइकन मिल जाते हैं बट वोल्टी आइकन देखने को नहीं मिलता, वोल्टी आइकन शो नहीं करेगा, नॉर्मल आपका आइकन रहेगा। एंड यहाँ पे टैप टू स्लीप भी है, और फिर यहाँ पे क्लॉक की सेटिंग्स है, बैटरी की सेटिंग मिल जाती है, ब्राइटनेस की सेटिंग्स है, और क्विक पुल डाउन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर यहाँ पे डेट एंड टाइम के लिए भी दिया गया, बाकी आपका नॉर्मल जो सेटिंग्स है वही रहने वाला है यहाँ पे, जैसे सभी मिलता है। एंड गूगल डिस्कवर फिलहाल अच्छे से काम कर रहा है, एनिमेशन काफ़ी अच्छे हैं, लैग नहीं है। और स्टेटस बार की अगर बात करें तो स्टेटस बार में आप लगातार जैसे इस तरीके से स्क्रॉल करते रहते तो उस टाइम पे काफ़ी हल्का सा एक आध बार आपको लैग मिलेगा, बाकी स्मूथ वैसे मिल रहा है ये। यहाँ पे भी टाइल्स की अगर बात करें तो पॉपअप जो आते हैं वो भी आपको स्मूथ मिल जाता है, और ये सभी टाइल्स हैं इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। रिकॉर्डर भी आपको मिल जाता है इसके अंदर में, और अगर हम यहाँ पे चले स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ तो एक बार स्टार्ट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद कोई फ़र्क पड़ता है लैगिंग में या नहीं, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से काफ़ी लाइट लैग फ़र्क पड़ता है, यानी कि इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल पहले था वही लैग आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद देखने को मिलता है, ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता। एंड वॉल्यूम पैनल तो एक्सपेंड हो जाता है, और यहाँ पे ऐप ओपनिंग ये भी इसके अंदर अच्छी मिल जाती है, तो एनिमेशन के मामले में फिलहाल अच्छा है, उतना लैग नहीं मिलता, लाइट है पर हैवी देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। फास्ट ऐप ओपनिंग तो नहीं मिलती है, थोड़ा सा आपको डिले ज़रूर मिलता है बट यहाँ पे एनिमेशन लैग देखने को नहीं मिलता। और नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन है जो कि बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है, क्लिकबोर्ड जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है, ओवरले एडिट आप कर पाओगे इसको आराम से, और स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें भी एनिमेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे, जैसे कि एनिमेशन इसके अंदर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और फिर यहाँ पे साइड में क्लियर ऑल बटन मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कैमरा की, तो डिफ़ॉल्ट आपको कैमरा गो जो है इसके अंदर प्री इंस्टॉल मिलता है, गूगल कैमरा तो आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एंड FM रेडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जियो सावन काम कराए, और कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके प्रॉब्लम करेंगे, जैसे सभी एंड्रॉइड 13 में प्रॉब्लम है, बाहर से अगर हम करते हैं तो कुछ कुछ जो है क्रैश करेंगे। एंड गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाती है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिलता, अनलिमिटेड स्टोरेज बिल्कुल है। और गूगल हमारा जो प्ले स्टोर है ये सर्टिफाइड आता है इसके अंदर में, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका सेफ्टी नेट इसके अंदर पास रहेगा, तो बैंकिंग ऐप आप विदाउट रूट भी आराम से यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और स्क्रीन पे होल्ड करने पे आपको रीसेंट वॉलपेपर तो मिलेंगे, और विजेट्स जो हैं वो भी आपको फिलहाल लेटेस्ट सभी के सभी देखने को मिल जाते हैं, तो विजेट से रिलेटेड भी कोई इशू नहीं है, सभी लेटेस्ट मिल जाते हैं। अब कॉलिंग की बात करें तो इसके अंदर कॉलिंग में आपका वॉल्टी काम करता है, कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा, ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया और कॉलिंग दोनों पर यूज़ कर पाओगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग का यूज़ आप कर पाओगे, अलर्ट कर देता है बाकी। एंड यहाँ पे इंटूडू स्कोर 177,888 मिला है। वहीं अगर हम बात करें CPU थ्रोल रेट की, तो ये जो है 94% तक जो है देखने को हमें यहाँ पे मिला है, और जो गीगबेंच स्कोर है सिंगल पे 277 है, और मल्टी के अंदर में 1262 तक जो है देखने को यहाँ पे स्कोर हमें गीगबेंच स्कोर भी यहाँ पे मिल जाता है।
अभी अभी इसका बूट एनिमेशन दिखा दो। हालांकि बूट एनिमेशन आपको मोनेट बेस्ड मिलेगा, यानी कि वॉलपेपर बेस्ड कलर आपको देखने को मिलेगा इसके बूट एनिमेशन के अंदर में, जो कि पिक्सल वाला ही गूगल वाला ही देखने को मिलता है, बट जो है मोनेट बेस्ड रहेगा। जो भी आप वॉलपेपर यूज़ करो उसका ही कलर आपको बूट एनिमेशन पर देखने को मिलेगा। तो ये था इसका बूट एनिमेशन। अब इसके अंदर में आपका जो गेम स्पेस है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर, लेकिन ग्राफिक देखोगे तो स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे और एचडी पे हाई तक रहेगा। तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे और गेमिंग भी फिलहाल मैं यहाँ पे ज़्यादा उतना अच्छा नहीं कहूँगा। यहाँ पे गेमिंग आपको नॉर्मल मिल जाती, ज़्यादा तगड़ी ज़्यादा अच्छी यानी कि बैलेंस भी नहीं, बैलेंस के आसपास यानी कि मिल जाती, ज़्यादा अच्छी भी गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे फिलहाल नहीं है। अगर हम बोले तो गेमिंग उतनी अच्छी आपको नहीं मिलती है, बट यहाँ पे यूआई ज़रूर अभी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। ये एसपी रोम्स भी इनकी तरफ से आता था, साकिल भाई की तरफ से, वो भी जो है काफ़ी अच्छे एनिमेशन के साथ देखने को मिलता है। अभी फिलहाल ये एंड्रॉइड 13 का फर्स्ट है प्लस वाले एडिशन का, जो कि पिक्सल एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे जो है इसकी एनिमेशन मुझे फिलहाल अच्छी लगी है, आगे जो है थोड़े बहुत इंप्रूव और भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में ही आपको अच्छा मिल जाता है, काफ़ी लाइट लैग के साथ है, ज़्यादा हैवी देखने को लैग नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इस बिल्ड के अंदर मिल जाता है। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, और इंस्टॉलेशन के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिक्सल एक्सपीरियंस का इंस्टॉलेशन डिक्रिप्टेड या इनक्रिप्टेड जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो पहले कंप्लीट वीडियो वॉच कर लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इनक्रिप्टेड रोम ही आती है, इसलिए वीडियो कंप्लीट आप देख लिया करो। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।